तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं YouTube के स्टार, YouTube के आइकन और युवा दिलों की धड़कन और लड़कियों की जान, हमारे एलविस भाई से। तो मिलते हैं उनसे आज। राम राम भाई सारे ने। तो एलविस भाई, आपने हम गरीबों के लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यार आप हम गरीबों के बारे में कुछ तो सोचते हो यार। अरे यार कोई बात नहीं यार भाई, यार तुम खामा खाई मुझे यार चने के दाड़ पर चढ़ा रहे हो यार। क्या यार, कोई इतना बड़ा आदमी थोड़ी ना हो गया यार मैं। तो एलविस भाई, अभी आप थोड़े टाइम पहले जयपुर भ्रमण के लिए गए थे, तो वहां पे जाने के बाद में आप काफी चर्चा में आए थे, क्योंकि आपने वहां पे कोई थप्पड़ का कांड किया था। तो आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि तो हमारी ऑडियंस है ना, बहुत जानना चाहते हैं कि क्या वजह थी कि आपने कर दिया वहां पे जाके। तो कुछ बता दीजिए। अरे यार तुमने तो वो सुना ही होगा ना कि एलविस भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, ए एलविस भाई? तो यार उसने ना गलत बोल दिया मेरे को, तो कौन सुनता है यार। तो एलविश भाई, उसने ऐसा क्या बोल दिया कि उसके कान पे दो तीन लगी गए आपके हाथ से? ऐसा क्या क्या बोल दिया होगा उसने? दे भाई यार वहां से ना मैं तो कॉफी पी के निकला ही था, उसने यार कुछ अपशब्द बोल दिया और वो मेरे कान में पड़ गए, और मैंने उसके कान के नीचे दो बजा दिए। उससे ज्यादा देख मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता भाई, क्योंकि एलविश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, ए एलविश भाई? हाँ सही है एलविश भाई, क्योंकि सबका एक हसूल होता है, सबका एक सिद्धांत होता है कि जो गलत बोलता है उसके तो पड़ती है कान। आपने एकदम सही काम किया। अब दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर जो आपने बताया वो सही है और आपने उसके साथ में बहुत ही सही किया। तो उस बात से आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल की ओर चलते हैं कि बिग बॉस OTT सीजन 2 जीतने के बाद में आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज हुआ कि आप एनी टाइम सुर्खियों में बने रहते हो यार? दे भाई सही से बताओ ना, बिग बॉस जीतने के बाद में लाइफ ना झंड सी हो गई, क्योंकि यार कहीं पे भी जाता हूँ कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। हाँ पर उस वजह से सीखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है कि कहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह फर्क जरूर पड़ा है लाइफ के अंदर। बाकी तो कुछ नहीं है यार, बाकी तो नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। वो तो एलिश भाई देखने के बाद में पता लग ही रहा है कि सही चल रहा है आपका। पर आप अपनी सक्सेस के बारे में हमारी जनता को कुछ बताना चाहेंगे, कोई दो शब्द? देख भाई सही से बताओ ना, मैं काफी नीचे से उठा हूँ यार, काफी नीचे से, और घर वालों का सपोर्ट नहीं था, फिर भी वीडियो बनाने के चक्कर में आईफोन ना अफोर्ड कर लिया था। आईफोन से वीडियो शूट करता था भाई, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, लेने के देने पड़ जाते थे मेरे, क्या बताऊँ मैं उस बारे में। पर जो भी था अच्छा था और अच्छा चल रहा है अब। तो एलविश भाई आपसे एक बहुत कैजुअल, यानी कि आपसे वो अंदरूनी बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप हर वीडियो में बताते हैं कि फूफा बदमाश है, क्या सही में बदमाश है यार? सीधी सी बात बताऊँ ना, मेरे फूफा ना, फूफा जी जलेबी की तरह सीधे हैं। वो तो क्या वीडियो के चक्कर में कोई डायलॉग नहीं आ रहा था तो फूफा जी को बदमाश बना दिया, बाकी मेरे फूफा तो जलेबी की तरह सीधे हैं सीधे। तो एलिश भाई हम यहीं पे कार्यक्रम समाप्त करते हैं, आप हमारी जनता को कुछ बोल दीजिए, और मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एलिश भाई अब आप खुद कुछ बता दीजिए थोड़ा बहुत, ये जो कुछ भी है मेरे पास में फिलहाल वो सब मेरी जनता यानी मेरी फैमिली का ही है, क्योंकि आज वो है तो मैं हूँ, अगर वो नहीं तो मैं कुछ नहीं, बाकी सब पता ही है आपको, जो भी है इन सब की वजह से हूँ। तो हमारी जनता के लिए, हमारी फैमिली के लिए आपने अपना टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद, और हमारी यही दुआ है कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और ऐसे ही ऊपर तक जाते रहें। चलो ठीक है जी, धन्यवाद, हम भी चलते हैं, और आप भी कोई करो और चैनल को सपोर्ट वगैरह करो भाई लोगों, आप सब मिलके और भाई के चैनल को आगे तक ले जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं भी चलता हूँ।